स्टूडेंट देखो हमारे पास क्या है, ये रीडिंग्स हमारे को गिवन है सारी। अब देखो ये हमारा डंपी लेवल हमने सेट कर लिया, ए स्टेशन। ए स्टेशन जो है हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेशन है। अब ए स्टेशन के ऊपर जो हमारा फर्स्ट स्टेशन है, इसके ऊपर जो हम पहली रीडिंग पढ़ेंगे वो हमेशा कौन सी रीडिंग कहलाएगी, बैक साइड रीडिंग। अब ए स्टेशन का हमें आरएल पता है, ए स्टेशन का आरएल कितना है, 87.125 मीटर। इसी ए स्टेशन के ऊपर हमने क्या किया, स्टाफ रख दिया, और उसके ऊपर जो पहली रीडिंग पड़ी वो पड़ी बैक साइड रीडिंग। तो बैक साइड रीडिंग कितनी है बताओ मुझे, बैक साइड रीडिंग कितनी है ये, 0.985 हाँ 0.985 मीटर, मतलब ये मीटर ही है, अंडरस्टूड है ये मीटर ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, उसने बोला फ्रॉम सिंगल सेटिंग, मतलब लेवल को शिफ्ट नहीं करा, समझ गए बात को, लेवल को शिफ्ट नहीं करा। तो पहली रीडिंग जो सी होती है आपको बताया मैंने, हमेशा बैक साइड रीडिंग होती है, और लास्ट वाली रीडिंग कौन सी होती है, लास्ट वाली सिंगल सेटिंग कौन से सा जो लास्ट रीडिंग पढ़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं, फोर साइड रीडिंग। तो इस क्वेश्चन में बैक साइड रीडिंग कौन सी है, 0.985, और फोर साइड क्योंकि ये सिंगल सेटिंग है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट ही नहीं करा, तो लास्ट रीडिंग फोर साइड रीडिंग कहलाएगी। वो कितनी रीडिंग है, 1.080 मीटर, फोर साइड रीडिंग। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। जो बीच में जितनी मर्जी हूं इस क्वेश्चन में, बीच में कितनी है, तीन है, अगर चार हो, पांच हो, छह हो, आठ हो, जितनी मर्जी हो, तो बीच वाली रीडिंग्स कौन सी हो जाएंगी, सारी इंटरमीडिएट साइट। क्लियर है सबको, क्लियर है। यस सर, तो हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम यस सर, देखो, इसका डायग्राम देखो, ये यहाँ पे डंपी लेवल कहीं पे सेट कर लिया, ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर ए पॉइंट जोन है, ये ए पॉइंट है, इसका आरएल हमें पता है 87.125। इसी नोन आरएल पे पहली रीडिंग पड़ी जाती है जो कि बैक साइड रीडिंग बनेगी, वो कितनी है, ये मैंने लिखा बैक साइड 0.985 मीटर, समझ गए। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट साइड पढ़ी, वो जहां मर्जी हो, बी पॉइंट के ऊपर IS मैंने लिख दिया इंटरमीडिएट साइड, और वो कितनी है, 1.105। उसके बाद फिर सी पॉइंट कोई था, उसके ऊपर हमने इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली, कितनी रीडिंग पड़ी, 1.125 मीटर। फिर डी पॉइंट, उसके ऊपर भी हमने इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली, 1.170, और जो लास्ट रीडिंग है वो फोर साइड कहलाती है, तो इसे मैंने लिखा FS, और ये रीडिंग कितनी है, 1.080 मीटर। समझ गए सब क्वेश्चन, समझ गए क्या है ये डायग्राम के थ्रू, क्लियर है, किसी ने कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन में। नो अब हमें उसने कहा क्या है, ये सारी रीडिंग्स को लेवल बुक में भरो और सारे पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल निकालो, मतलब ए पॉइंट का तो हमें रिड्यूस लेवल पता ही है, बी पॉइंट का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है, ई का निकालना है। कैसे निकालना है, बाई कॉलिमेशन मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और एंड में जो कह रहा है आपने आरएल कैलकुलेट किया उसको चेक भी करना है बाई अरिथमेटिक चेक। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो लेवल बुक जो सी होती है, ये यही क्वेश्चन है, सबको स्क्रीन दिख रही है, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही लिखा हुआ ऊपर, मैंने सक्सेसिव रीडिंग ली है सिंगल सेटिंग से, सिंगल सेटिंग में ये रीडिंग है, पहली बैक साइड इंटर 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 फोर, और आरएल पहली का गिवन है। अब देखो दिस इज द केस ऑफ सिंपल लेवलिंग, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, ये टेबल जो सा फॉर्मेट है ये लेवल बुक का फॉर्मेट है। टेबल देखो क्या होता है, पहला कॉलम क्या कहलाता है, स्टेशन। ठीक है, पहला जो कॉलम होता है उसमें हम स्टेशन पॉइंट के नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम बैक साइड रीडिंग लिखते हैं, तीसरे कॉलम में हम इंटरमीडिएट साइट रीडिंग लिखते हैं, चौथे कॉलम में हम फोर साइट रीडिंग लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद जो भी मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें हम कॉलिमेशन मेथड या जिसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं, तो इसके लिए अंदर क्या होता है, इस मेथड में जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो HI का बनता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बनता है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो रिड्यूस लेवल का बनता है, और एंड में रिमार्क्स बनते हैं, इसको टेबल की फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में लिखा जाता है, यही लेवल बुक होती है। लेवल बुक में ये चीजें पहले ही छपी होती हैं, आपने चीजें भरनी होती हैं, तो ये पेज ऑफ लेवल बुक है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स।
यस सर। अब इसको हमने फिल कर, अब इसको फिल करो आप। देखो ए पॉइंट, ए पॉइंट पे रीडिंग कौन सी थी, बैक साइड रीडिंग थी। ए पॉइंट पे रीडिंग बैक साइड थी 0.985, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे स्टेशन पॉइंट ए, ए में बैक साइड के कॉलम में भर दोगे 0.985। समझ गए। इंटरमीडिएट खाली, फोर साइड खाली, ठीक है। पर ए क्यों खाली रखी है, क्योंकि ए पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड रीडिंग है ही नहीं है। ए पॉइंट पे तो यहाँ मैंने लिखा बैक साइड रीडिंग है, इसलिए है ना। ए पॉइंट वाली रीडिंग जो सी है वो तो बैक साइड रीडिंग है, वो इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड रीडिंग थोड़ी है। ए पॉइंट वाली वो तो बैक साइड रीडिंग है, तो उसको हमने बैक साइड में भर देना है, दूसरी जगह खाली छोड़ देनी है, ठीक है सर। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे पहले मुझे बताओ रीडिंग कौन सी है, इंटरमीडिएट साइड, और रीडिंग है कितनी है 1.105। तो बी पॉइंट यहाँ लिखेंगे, इसका इंटरमीडिएट साइड में हम भरेंगे 1.105। इसका बैक साइड कोई नहीं है, इसका फोर साइड कोई नहीं है, समझे गे? क्लियर है सर। अब सी पॉइंट, सी पॉइंट पे भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है कितनी है 1.125। तो सी पॉइंट पे इंटरमीडिएट 1.125, इसमें बैक साइड कोई नहीं है, इसमें फोर साइड कोई नहीं है, क्लियर है। अब डी पॉइंट, डी पॉइंट में भी इंटरमीडिएट साइड ही है, वो है 1.170, इसमें बैक साइड कोई नहीं, फोर साइड कोई नहीं। तो ये डी पॉइंट, डी पॉइंट में बैक साइड कोई नहीं, फोर साइड कोई नहीं, इंटरमीडिएट है 1.170, क्लियर है। और उसके बाद लास्ट जो है ई पॉइंट, ई पॉइंट आपको पता ही है हमेशा लास्ट पॉइंट की रीडिंग, लास्ट रीडिंग फोर साइड रीडिंग होती है। तो फोर साइड रीडिंग कितनी है 1.080। तो ई पॉइंट में फोर साइड रीडिंग है 1.080 फोर साइड के खाने में। इधर कोई बैक साइड रीडिंग नहीं है, इधर कोई इंटरमीडिएट साइड रीडिंग नहीं है, क्लियर। आपको स्टेशन पॉइंट, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड ये भरनी आ गई। अगर ये नहीं पता लग रही तो पूछ लो। क्या आपको पहले चार खाने समझ आ गए हैं, लेवल बुक के कैसे भरे जाते हैं? स्टूडेंट अगर नहीं पता लग रहा तो पूछ लो कि ये पहले चार कॉलम, अगर नहीं पता लग रहे तो पूछ लो। हाँ जी यस सर, क्लियर है। हर्षदीप, चिराग, ओके क्लियर है सर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, रिड्यूस लेवल सारे पॉइंटों के निकालने हैं। देखो हमने ए बी सी डी ई, ए का रिड्यूस लेवल हमें गिवन है जो कि 87.125 है। क्वेश्चन में ये गिवन है ना, ऊपर क्वेश्चन देखो, आरएल ऑफ स्टेशन ए कितना है 87.125। तो हम आरएल के खाने में ए स्टेशन के सामने लिख देंगे 87.125, ठीक है। आरएल के खाने में ए स्टेशन, ये ए स्टेशन है, ए स्टेशन में आरएल कितना है 87.125, क्योंकि गिवन है, वो रिमार्क्स में लिख देंगे आरएल ऑफ ए जो हमें गिवन ही है कितना है 87.125। क्लियर है। बाकी जितनी ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रह गई और बाकी जितने आरएल रह गए ये हमने निकालने हैं, ठीक है। अब हम ये हाइट ऑफ मेथड कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले, दो फॉर्मूले लगते हैं सिर्फ, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, आर एल प्लस बी एस किसके बराबर होता है, एच आई के, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला, एच आई में से माइनस करो एफ एस जा और आई एस, एफ एस या आई एस, तो वो किसके बराबर रहेगा, नेक्स्ट आर एल के, ठीक है। ये सबको दिख रहा है फॉर्मूला, सबको फार्मूला दिख रहा है? हाँ जी सर।
अब यस सर ये फार्मूला हमने लगाना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में. अब देखो ए स्टेशन है, ए स्टेशन से शुरू करेंगे. ए स्टेशन इसमें हमारे पास आरएल हमें गिवन है, कितना गिवन है, जो कि 87.125 के बराबर है. अब फार्मूला कहता है आरएल प्लस बीएस बराबर किसके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के. तो हम क्या करेंगे, इस आरएल में 87.125 इसमें इसकी बैक साइड रीडिंग कितनी है ए पॉइंट पे 0.985, इसको ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर आ जाएगा. ठीक है, जो फार्मूला कहता है. ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है सबको ये.